हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए, दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज़ आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमेशा बिंदास रहो। बिंदास मतलब आप टेंशन फ्री रहो, हमेशा बिंदास रहना मतलब हैप्पी रहना। बिंदास मतलब होता है कि फ्री माइंड होना, मतलब एकदम हैप्पी रहना। मतलब इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, हमेशा बिंदास रहो मतलब किसी चीज़ की टेंशन नहीं करो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम जो है काफ़ी भाग दौड़ वाला है, और हर व्यक्ति की बात करें, चाहे वो मेल हो या फीमेल, मतलब चाहे स्टूडेंट हो या जॉब करने वाला बंदा हो, हर व्यक्ति की अपनी लाइफ में अपने अपने काम है, उसके एज के हिसाब से और उसकी करंट कंडीशन के हिसाब से। कोई जॉब करता है तो कोई स्टडी करता है, कोई किसी चीज़ की तैयारी करता है, कोई स्टूडियो चलाता है, कोई किसी प्रकार का बिजनेस करता है, कोई घर को संभालता है। तो इस तरीके से सबके पास अलग अलग काम, हर व्यक्ति अपने अपने काम में बिजी है, मतलब हर चीज़ को लेकर। तो और जब अलग अलग सबके काम होते हैं तो उनको करने में कई बार मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह भी आती हैं, और जब वो काम नहीं हो पाता है कहने मतलब, तो हमें टेंशन भी होने लगती है कहने मतलब। तो जो टेंशन होती है तो हम जो हमारे एक हैप्पी माइंड होता है वो हैप्पी माइंड ही रहता है, उसे टेंशन के अंदर घुस जाता है मान लो। जैसे कि अब हम इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और फिर जानेंगे भी कि अगर आप मतलब बिंदास नहीं रहोगे, हैप्पी नहीं रहोगे कहने का मतलब, तो उसका मतलब सोल्यूशन तो नहीं है, मतलब कि आप एकदम सीरियस हो गए, वो काम नहीं हो पा रहा है। और हालांकि वो काम हो जाएगा, थोड़े उस पर टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप उसमें बहुत ज़्यादा जैसे मायूस हो जाओगे मतलब, और उसमें बहुत ज़्यादा बोलोगे तो ये तो हो ही नहीं रहा है या बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन होगा जरूर। तो जब वहाँ पे आप क्या होते हो, आपको टेंशन सी हो जाती है, तो वहाँ पर कहने मतलब टेंशन लेने से या किसी चीज़ को ना होने से, थोड़ा टाइम लेने से वो चीज़ सॉल्व तो होगी नहीं, और जो जिस काम को जितना टाइम लगना है वो तो लगेगा ही कहने के मतलब। तो आपको ऐसे टाइम पर मतलब बिंदास रहना है, मतलब हैप्पी रहना है। बिंदास मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि हैप्पी रहना है और किसी चीज़ की टेंशन नहीं करनी है कहने का मतलब। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई स्टूडेंट है, और स्टूडेंट जो होता है वो चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना पढ़े, चाहे वो पहले दूसरी में हो या 10th 12th में हो या कॉलेज में ही क्यों ना हो, जब स्टडी कर रहा है तो उसके बाद अलग अलग टास्क होंगे, जैसे टेस्ट की तैयारी करना, होमवर्क टाइम पर करना, प्रैक्टिकल्स वगैरह तैयार करना या टाइम पर पूरा करना कॉलेज वगैरह में। तो जैसे जो 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, मतलब 100 में से आपके 75 मार्क्स के एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर के हिसाब से, क्योंकि जैसे मैं भी दिल्ली के PGDB कॉलेज से पास आउट हूँ 2015 में मॉर्निंग शिफ्ट से, और फर्स्ट डिवीज़न था। तो मुझे जो काम वगैरह मिलते थे कॉलेज से, मतलब वो सेमेस्टर के हिसाब से हुआ करते थे, क्योंकि 3 साल में 6 सेमेस्टर होते थे और हर साल 2 सेमेस्टर का हमें तैयारी करना होता था। तो और जो एक पेपर होता था वो 100 नंबर का होता था, और 100 में से जो हमारा जो सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम होता था वो 75 मार्क्स का होता था, और बाकी जो 25 मार्क्स होते थे उसमें से 5 मार्क्स अटेंडेंस के होते थे, 10 मार्क्स होते थे आपको असाइनमेंट बना के जमा करना होता था, और 10 मार्क्स होते थे हमारे टेस्ट के, मतलब वो कोई भी किसी भी टाइम मतलब आपसे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट हुआ करता था 10 मार्क्स का। तो इस तरीके से 10 मार्क्स टेस्ट के, 10 मार्क्स असाइनमेंट के, और 5 मार्क्स अटेंडेंस के, और बाकी 75 मार्क्स जो होते थे वो सेमेस्टर का एग्जाम होता था। इस तरीके से वो 100 मार्क्स के होते थे। तो कहना है मतलब इस तरीके से हमारे पास, जब आपको पता है कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपको अलग अलग चीज़ें करनी है, तैयारी करनी है, और आपको अपनी स्टडी को लेके, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने असाइनमेंट, अपने अटेंडेंस को लेके, या जो भी आपका काम मिलता है उसको लेकर, वो तो आपको करना ही पड़ेगा मतलब। तो ऐसे टाइम में आपको जो भी काम मिलता है, जो आपको करना है, उसको हैप्पी माइंड रख के करना है, यानी बिंदास रह के करना है, क्योंकि काम तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप अपने आपको उस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा
डीपली मतलब गहराई से अगर आप उसमें मायूस से रहें कि अरे कैसे करूंगा मैं, या कैसे किस टाइम पर कर पाऊंगा कि नहीं, कैसे करूंगा या कैसे ये पूरा होगा, अकेले में कैसे कर पाऊंगा, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह उठते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं अच्छे जो मतलब जो थोड़े मतलब जो इंटेलिजेंट होते हैं वो तो बहुत ही मतलब किसी ना किसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि वो दिमाग लगाते हैं, लेकिन थोड़े जो वीक होते हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं और अनहैप्पी हो जाते हैं मतलब। तो वहाँ पे भी आपको जैसे अगर आप स्टडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मायूस नहीं होना है, मतलब बिंदास रहते हुए जो आपकी क्लास में जो हाई मार्क्स लाते हैं इंटेलिजेंट हैं उनसे आप उनकी आप हेल्प ले सकते हो कि आपने वो जो असाइनमेंट वगैरह तैयार किया या प्रोजेक्ट्स वगैरह तैयार किया तो उसको तैयार करने में आपने किस चीज़ को फॉलो किया या किन किन स्टेप्स को फॉलो किया, और हर व्यक्ति मतलब आपकी हेल्प करेगा मतलब। बस आपको अपने आप को हैप्पी रखना और हैप्पी माइंड से आप कोई भी काम करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगा। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप दिमाग पर लोड रखोगे कि मेरा ये काम मुझे कंप्लीट करना है या हो ही नहीं पा रहा है या कैसे करूँगा, तो इन चीज़ों को दिमाग में रखने से या मायूस होने से या सैड होने से उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है उस चीज़ का हल ढूंढने से, मतलब कि आप ऐसे फ्रेंड्स को साथ अपना मतलब कांटेक्ट रखो या जो पढ़ने में टैलेंट होते हैं उनके साथ अपने फ्रेंडशिप रखो ताकि कभी आप जो भी आपको काम पड़े या जो भी आप करना चाहते हो मतलब उसमें आपकी हेल्प कर सके, और हमेशा फिर वो आपकी हेल्प भी करेंगे और आपको इस तरीके से जब आपके कांटेक्ट अच्छे होंगे, फ्रेंड्स अच्छे होंगे और आपका जोन अच्छा होगा जिसमें आप अपने अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहते हो तो आपकी वो डेफिनेटली हेल्प भी करेंगे और आप हमेशा बिंदास भी रहोगे, हैप्पी भी रहोगे कहने का मतलब। और आपको बिंदास रहना भी चाहिए, हैप्पी रहना भी चाहिए क्योंकि लाइफ में कोई भी काम करने के लिए हमारे हैप्पी माइंड बिंदास होना बहुत जरूरी है मतलब, तो बिंदास आपको हमेशा रहना चाहिए। दूसरी तरह हम बात करते हैं जैसे जो आगरा के मतलब जैसे जब वो कॉलेज वगैरह की पढ़ाई कर ले तो कई लोग आगरा के जॉब भी करते हैं, कई लोग बिजनेस भी करते हैं और दूसरे वगैरह भी लोग काम करते हैं, अपने घर के बिजनेस में हाथ वगैरह भी बढ़ाते हैं कहने मतलब। तो वहाँ पर भी जैसे कोई बंदा जॉब करता है तो जॉब हर व्यक्ति की अपना अलग अलग टाइप की जॉब होती है, जैसे कोई डॉक्टर इंजीनियर कोई साइंटिस्ट होता है, कोई किसी की बॉडी वगैरह अच्छी होती है तो वो आर्मी में होता है या फिर बॉडीगार्ड सिक्योरिटी गार्ड और क्या बोलते हैं जिम ट्रेनर मतलब, और सॉन्ग राइटर सिंगर डांसर प्रोफेसर लेक्चर टीचर मतलब आजकल दुनिया भर के हमारे पास जो मतलब जो तो फील्ड होते हैं ना करियर बनाने के अवेलेबल है। तो हर व्यक्ति का जो अपना अपना फील्ड है, कोई बंदा जॉब करता है कॉलिंग का जॉब करता है, टीम लीडर का जॉब करता है, मार्केटिंग का सेल्स का या जो भी जॉब करता है उसको उसकी अपने जॉब से रिलेटेड उसके पास कई सारे काम वगैरह होते हैं या उसके ऊपर कई सारा वर्कलोड होता है कि मीटिंग करनी है। आजकल जैसे अभी कोरोना के टाइम में जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो आपको उसकी सावधानी तो बरतनी है, लेकिन जैसे जब कोरोना का टाइम था तो जैसे जैसे हम उससे उभर रहे थे मतलब निकल रहे थे तो उस टाइम लोगों ने जूम के थ्रू क्लासे वगैरह देना शुरू कर दिया था मतलब, तो जूम पे मीटिंग भी होती थी, क्लासे भी होती थी, कुछ भी बात वगैरह करना होता था तो जूम के थ्रू होता था। तो उस टाइम जैसे लोगों को काफ़ी जैसे जॉब करते थे तो उनको प्रिपेयर करना होता था कि किससे किसकी मीटिंग करानी है और क्या बात करानी है, हमें सेटअप कराना है या जो भी वगैरह होता था। तो जो बंदा अभी जॉब करता है उसको अपनी काम को लेकर उसको बहुत सारा प्रेशर होता है, टेंशन वगैरह भी होता है, लेकिन होता है कि इन दिमाग पे लोग और टेंशन का लोड रखने से या वर्क का लोड रखने से वो चीज़ सॉल्व नहीं होने वाली है। और टेंशन जैसे कि मैं आपको आप मेरी इस प्ले लिस्ट में डाकर देखेंगे तो मैंने आपको टेंशन के 3 बैड इफेक्ट्स भी बताए मतलब, इसमें आपको बताया था कि रूप बल और ज्ञान का नाश होता है टेंशन वगैरह करने से मतलब। तो आपको पता ही है जो आपको वो काम करना ही है तो अपने ऊपर वर्क लोड या प्रेशर या फिर टेंशन क्यों रखें, हाँ आपको करना है तो आप अपने माइंड को अपना फ्रेश रखो, हैप्पी रखो और बोलो कि जो मैं काम करना है वो तो मुझे करना ही है, तो मैं अपने ऊपर फालतू का लोड या प्रेशर या टेंशन क्यों रखूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों से कुछ होने वाला तो है नहीं है ना, सिवाय इससे नुकसान ही होता है अपने हेल्थ को। तो आपको उस टाइम भी एकदम अपने आप को बिंदास रखना है, हैप्पी रखना है, और जब सुबह उठते तो आपको यही दिमाग में यही ध्यान रखना है कि भगवान हर किसी को जब सुबह उठता है तो हर एक सुबह जो होती है एक नई अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कुछ अच्छा करो, जो भी आप करना चाह रहे हो उसको अच्छे तरीके से करो, कंप्लीट करो मतलब। तो बस यही आप ध्यान रखो कि आप बिंदास रहते हुए हैप्पी रहते हुए जो भी आप करोगे अच्छा ही करोगे और जो भी आपका एफर्ट होगा मतलब आप उसमें अपना
पूरा पूरा 100% गुड एफर्ट दोगे, अपने अच्छे से अपने तरफ से अच्छा पूरा प्रयास करने की कोशिश करोगे जो भी आपको जॉब पे काम मिलता है, जहाँ पर भी आप जॉब करते हो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो भी आप काम करना चाह रहे हो वो अच्छे तरीके से हो रहा है, और आप हैप्पी माइंड रखो, बिंदास रहो, और लाइफ में जो भी टेंशन है उसको निकालो। और स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा लाइफ में, कुछ भी बनना है तो, लेकिन टेंशन लोड या प्रेशर रखने से वो चीज़ नहीं होने वाली है, उसके लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो बिंदास रहो, हैप्पी रहो और लाइफ में आगे बढ़ो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, लाइव में हमेशा आप बिंदास रहो। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स।